हमको ये एमयू चाहिए, किशनगंज में ये एमयू चाहिए, पार्टी जाए भाड़ में, लेकिन पब्लिक के नजर से हम देख रहे हैं कि हमारे अलावा किसी का नाम नहीं देख रहे हैं हम। इस सीट कांग्रेस को ही जाएगा ये मान लीजिए आप, हाँ। वर्सेस इंडिया है इसमें कोई शक नहीं, तो मांग किए हैं हाँ। कि ओवैसी साहब को भी इंडिया गठबंधन में रख लेना चाहिए और मायावती जी को भी इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहिए, चंद्रशेखर जी को भी इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहिए। नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने में बहुत आसानी होगा। इंडिया गठबंधन में नहीं आते हैं तो पीछे से इसका मतलब बीजेपी को आप साथ दे रहे हैं। तीसरा क्या है कि आज हमारे क्षेत्र में कोई कैंसर का बीमारी हो जाता है, आज हमारे क्या कहते हैं कि हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है तो हमको दिल्ली या पटना भागना पड़ता है। किशनगंज में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिससे हमारा यहाँ का गरीब जनता इलाज कर सके। पैसा वाला आदमी दिल्ली चले जाता है, मुंबई चले जाता है, बम्बई चले जाता है और कहीं चले जाता है, हैदराबाद चले जाता है, लेकिन जो गरीब आदमी है, भाड़ा नहीं है, पैसा नहीं है, वो बाहर नहीं जा पाते हैं, तो एक हॉस्पिटल का भी यहाँ कमी है। तो इसीलिए ये कुछ कारण है जिसके कारण स्थानीय संसद को मारे हाथ लेता है पब्लिक, और स्वाभाविक है ये मांग जायज है। जनता नाराजगी का कारण जो है मैं समर्थन करता हूं, जनता का ये नाराजगी जायज है। जगह की एमयू को लेकर करके 13 साल से किशनगंज की जनता या सीमांचल की जनता इंतजार कर रही है। आखिर हालांकि मैंने कई बार देखा है कि जावेद साहब गए हैं दिल्ली में, बात की उसको लेकर, एमयू को लेकर, फंड रिलीज को लेकर के उन्होंने पोस्टर भी दिखाया है, खबर भी चली है, लेकिन एक सांसद का असर एमयू को लेकर क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए आपको पहले ही बोले हम, अगर बन जाता तो मेरिट भी सांसद पर जाता, बिल्कुल जाता, नहीं बन रहा है इसका डीमेरिट भी सांसद पर जाएगा, इसका जवाब तो वही देगा कि क्यों नहीं अब तक बना। और मैं भी कह रहा हूं कि बनना चाहिए और सारे पार्टी के लोगों को हम कहेंगे कि एक मुस्त होकर एक झंडे के नीचे, सर्वदलीय झंडा के नीचे हम लोग ए एमयू का झंडा पहले लहराना चाहिए। हमको ए एमयू चाहिए, किशनगंज में ए एमयू चाहिए, पार्टी जाए भाड़ में, लेकिन हमको ए एमयू किशनगंज में चाहिए। एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, एकदम एजुकेशन जब तक नहीं होगा तब तक हम किशनगंज वाले तरक्की कर ही नहीं सकते हैं। हमारा बेटा अलीगढ़ में जाके पढ़ नहीं सकता है, हमारा बेटी दिल्ली में जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं सकती है। आज अगर किशनगंज में एएमयू का शाखा खुल जाता है पूर्ण तौर पर तो हमारा बेटा भी पढ़ पाएंगे, हमारा बेटी भी पढ़ पाएंगे, जो आज डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस हमारा सुरजापुरी बिरादरी में बहुत कम मिलेंगे। आईएएस और आईपीएस तो है ही नहीं, राजसवाल डॉक्टर और इंजीनियर मिल जाएंगे आपको। तो हमारे किशनगंज में जो कमी है एजुकेशन का जी, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एएमयू चाहिए। अगर त्रिकोणी की बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर करके, महागठबंधन वीएस एनडीए है, इंडिया वीएस एनडीए, तो अगर किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, अगर 3 चेहरे ऐसे हैं जो मैदान में उतरने के लिए तैयार है, आपकी नजर में वो कौन है 3 चेहरे? आप को भी जोड़ें और दो और जोड़ें। देखिए हमको तो कोई नजर में नहीं आ रहा है, पब्लिक के नजर से हम देख रहे हैं कि हमारे अलावा किसी का नाम नहीं देख रहे हैं हम। मुजाहिद भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। नहीं, हम किसी का नाम नहीं कह पाएंगे, बहुत सारे पूर्व एमएलए हैं, बहुत एमएलए लोग हैं, सांसद भी हैं, पूर्व सांसद भी हैं, तो उस हिसाब से जोड़िएगा तो जलील मस्तान साहब भी हैं, उस हिसाब से जोड़िएगा तो हाजी सुभान साहब भी है, उस हिसाब से जोड़िएगा तो सबा जफर साहब है, उस हिसाब से जोड़िएगा तो आपका क्या कहते हैं गोपाल अग्रवाल है, उस हिसाब से देखिएगा तो कमरुल हुदा साहब हैं, उस हिसाब से देखिएगा तो जाहिदुर रहमान साहब है, पूर्व में जोड़िएगा तो बहुत सब है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है जो कांग्रेस का सीट है यहाँ जी, राजद कांग्रेस और जेडीयू का गठबंधन है जी, कांग्रेस का यहाँ मौजूदा जीता हुआ है, इसलिए ये सीट कांग्रेस को ही जाएगा ये मान लीजिए आप हाँ। मैं भी मानता हूँ, सारे लोग मानते हैं और कोई पार्टी का डिमांड भी नहीं करेगा मेरे ख्याल से। किसी ने मुझे एग्जांपल दिया था सर रिपोर्टिंग के दौरान किशनगंज में कि चाहे 10 साल का बच्चा कांग्रेस से क्यों नहीं खड़े हो जाए लोकसभा चुनाव को लेकर उसको जिता देंगे। हो सकता है ऐसा, हो सकता है, लेकिन पकड़ है कांग्रेस की नहीं। हाँ, कांग्रेस एनडीए वर्सेस इंडिया है इसमें कोई शक नहीं, दो ही तरफ वोट जाता है जी, चाहे तो एनडीए की तरफ जाएगा या फिर इंडिया की तरफ जाएगा। तो अगर जो AIMIM से कोई कैंडिडेट उतर जाए तो फिर क्या होगा? देखिए त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, फिर होगा हो जाएगा,
त्रिकोणीय हो जाएगा और जीत तो किसका होगा ये तो जनता तय करेगा जी। लेकिन आने वाला कल हम तो वैज्ञानिक नहीं है, हम तो भविष्यवाणी नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं जी। तो सवाल ये है कि देखिए इलेक्शन है हाँ। कुछ भी हो सकता है। और रहा सवाल कि आज का डेट में जो देखा जाए तो एनडीए और इंडिया गठबंधन यही दो में टक्कर होगा। और तीसरा जो है, तीसरा भी है उसको भी हम नकारते नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो चुनाव हुआ विधानसभा में 4 सीट 5 सीट तो जीता है, इसलिए उसको भी हम हल्के में नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं, नहीं हल्के में नहीं, टक्कर देने की तैयारी है उधर से भी। हाँ, टक्कर हो सकता है लेकिन ज्यादातर एनडीए और इंडिया में गठबंधन में गठबंधन हाँ, होगा। अच्छा, ये कहते हैं कि ओवैसी साहब जब भी जिस राज्य में जाते, चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो लोकसभा इलेक्शन हो, हमने आती मूड जो चेंज होता है, ऐसे कैसे चेंज होता है? नहीं, हम तो मांग किए हैं हाँ। कि ओवैसी साहब को भी इंडिया गठबंधन में रख लेना चाहिए और मायावती जी को भी इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहिए हाँ। चंद्रशेखर जी को भी इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहिए। अगर सबको मिला करके इंडिया गठबंधन अगर लड़ेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, 100% कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने में बहुत आसानी होगा। लेकिन मायावती का स्टेटमेंट है कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगे। देखिए वो उसका स्ट्रेंथ हो सकता है, लेकिन मेरा जो मांग है जी, मेरा पाल होना चाहिए कि आप भी बीजेपी के खिलाफ हैं हाँ। तो आप इंडिया गठबंधन में आ जाइए, या तो आप इंडिया गठबंधन में आ जाइए। अगर इंडिया गठबंधन में नहीं आते हैं तो पीछे से इसका मतलब बीजेपी को आप साथ दे रहे हैं। अच्छा, ये आपका मानना है कि जो सपोर्ट नहीं कर रही है पार्टी वो बीजेपी के बैकबोन है? हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ लड़ाई इंडिया और इंडिए दोनों में टकराव है। तो हम तो चाहेंगे कि आप अगर बीजेपी का खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप भाई मेरा इंडिया गठबंधन में आ जाइए। जैसे बदरुद्दीन अजमल साहब है आसाम से, उनको भी मैं कहूंगा कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए, सब मिलजुल करके लड़िएगा तो बीजेपी को उखाड़ने में आसानी होगा। और मैं अपने आला कमान से भी कहूंगा कि आप बड़े भाई का रोल निभाइए, आप ओवैसी से भी हाथ बढ़ाइए, आप बदरुद्दीन अजमल से भी हाथ बढ़ाइए, आप चंद्रशेखर से भी हाथ बढ़ाइए, आप मायावती जी के पास भी आप हाथ बढ़ाइए और सबको लेकर के इंडिया गठबंधन बनाइए। इंडिया वाले तो ये कह रहे हैं कि और भी एनडीए में कुछ पार्टी है वो आने वाली है, अगर आ जाते हैं तो वेलकम है, वेलकम करना चाहिए इंडिया को, ताकि हमारा इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगा। और उनका गठबंधन से टूट के आता है तो स्वाभाविक बात है कि उसका एनडीए गठबंधन कमजोर होगा। अरविंद केजरीवाल का ये स्टेटमेंट है कि इंडिया वर्सेज एनडीए जो चल रहा है, इंडिया 140 करोड़ जनता की जान है, अगर आप आते हैं तो महंगाई, बेरोजगारी, परेशानी, सुरक्षा, शिक्षा को लेकर, तमाम चीजों को लेकर आपके हक में बात की जाएगी, जनता हमारे साथ, हम जनता के साथ हैं। अगर इसमें AIMIM को नहीं लाया जाता तो क्या ये मुस्लिम फैक्टर काम करने वाला है? देखिए, मुस्लिम फैक्टर की जहां तक बात है जी, तो लड़ाई यहाँ एनडीए और इंडिया की है, ठीक है। लेकिन ओवैसी साहब अगर आप किशनगंज में अगर लड़ जाते हैं, मैं इंडिया में नहीं जाता हूं, मैं उधर नहीं जाता हूं, अदर राज्य नहीं जाता हूं, मैं किशनगंज का बात करता हूं, किशनगंज में अगर ओवैसी साहब लड़ जाते हैं तो फिर यहां त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। आप अगर अररिया में ओवैसी साहब लड़ा देते हैं तो फिर वहां भाजपा जीतने का चांस ज्यादा हो जाएगा। आप अगर कटिहार में ओवैसी साहब को लड़ा देते हैं तो वहां बीजेपी जीतने का चांस हो जाएगा। ये 3 सीट तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इंडिया गठबंधन में अगर वो लोग आ जाते हैं, ओवैसी साहब, बदरुद्दीन साहब, क्या कहते हैं, मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जी, तो ये सब में हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। फिर इंडिया गठबंधन को कोई नहीं हरा पाएगा, फिर नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन अभी भी शक है कि हरा सकता है अगर सभी पार्टियां एक साथ नहीं होती है, एक मंच पर नहीं आती है। हाँ, तो खतरा बढ़ जाता है, खतरा बढ़ जाएगा, फिर अररिया में भी खतरा हो जाएगा, किशनगंज में भी खतरा हो जाएगा, कटिहार में भी खतरा हो जाएगा। खतरा का मतलब बीजेपी भी जीत सकता है।